गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के ऊपर। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो रेगुलरली नहीं आ रहा है। रीज़न है, मैं कुछ पर्सनल काम में ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन अब के बाद रेगुलर इंटरवल पे वीडियो आएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लगभग ये जो सीज़न हम लोग पार करके आ चुके हैं, गुलाब का सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है और एक बार शायद फ्लश हो जाए मार्च के मिड तक, तो ये सही टाइम है पौधे को रिपॉट करने का। क्योंकि हम लोग जो खाद इस टाइम के दौरान, ये सीज़न के दौरान डालते हैं, उससे रूट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है और रूट बाउंड होने का खतरा रहता है। तो आप आगे वीडियो में देख सकते हो कि रूट बाउंड कितना भयानक तरीके से इन सब पौधों में हो चुका है। अगर ज़्यादा रूट बाउंड हो जाएगा तो डेफिनेटली पौधे को आगे लेके चल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉट कल्चर में और ज़मीन में दोनों में डिफरेंस है। आपको पॉट में साल में एटलीस्ट 2 बार रूट प्रूनिंग करना होता है। अगर आप 3 बार कर पाओ तो और बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 2 बार अगर करोगे तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। ये देखिए रूट का हालत क्या बन चुका है। एक्चुअली हमें पता कैसे चलता है कि नीचे रूट बाउंड हो चुका है, क्योंकि हर बार आप पॉट को उल्टा करके नहीं देख सकते हो। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है कि आइदर पौधा ब्लाइंड शूट देगा, और नहीं तो आपका जो लेंथ है, डाली का जो लेंथ है, वो काफ़ी छोटे डाली पे आपको फूल दे देगा। जैसे कि आपने पहले देखा कि काफ़ी छोटे डाली पे फूल आ रहा है और फूल प्रॉपर तरीके से खिलेगा नहीं, फूल का साइज अचानक से छोटा हो जाएगा। आपने लास्ट फ्लश पे जितना साइज का फूल देख लिया उससे काफ़ी लगभग हाफ हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि नीचे रूट को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइम के दौरान अगर आप फेब्रुअरी के 20th तक रूट प्रूनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो अभी जो ठंड बचा है, लगभग मार्च के 15 तारीख तक रूट वापस अपने सही जगह पर आ जाएंगे। तो इससे पौधे को ग्रो होने में हेल्प भी होता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली, मैंने पिछले ईयर में आप लोगों को दिखाया कि गर्मियों के टाइम पे पौधे को रेस्ट नहीं दिया जाता। गर्मियां एक्चुअल में पौधे को बढ़ाने का सही टाइम होता है, लेकिन हाँ 10% किया जाता है केमिकल से और बाकी का 90% मतलब मेजर पार्ट ऑफ द ग्रोथ किया जाता है आपका ऑर्गेनिक तरीके से। क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा केमिकल एप्लीकेशन मतलब पौधा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। आज आप देखेंगे मैं जो मिट्टी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक है, बहुत ही कम मात्रा में केमिकल यूज़ किया जाएगा। और बाद में जब गर्मियाँ बढ़ जाएगा, मार्च में एक मल्चिंग किया जाता है ऊपर में, वो मल्चिंग का अलग मैं वीडियो डाल दूंगा कि कैसे किया जाता है, कौन कौन सा चीज़ उसमें आपको इस्तेमाल करना है, तो उसे इस्तेमाल करके आप ऊपर में एक ठंडी जगह बना सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस एक महीने के दौरान, लगभग एक महीने के दौरान हम लोग रूट को सही कर ले, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया आपका, यहाँ पे आपका रूट काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा गर्मियों के टाइम पे। वही रूट जाके बरसात के टाइम पे मतलब पूरा सड़ जाएगा, और उसके बाद बरसात ख़त्म होने के बाद ही, जब ही सूरज प्रॉपर जगह पे आएगा, मतलब बरसात ख़त्म हो गया, सूरज प्रॉपरली उग रहा है, उसके बाद आपको दिखेगा डाईबैक। डाईबैक एक फंगल बीमारी है, लेकिन वो मेनली होता है रूट डैमेज के वजह से। अगर आपका रूट सही नहीं है तो ही आपके पौधे में डाईबैक होगा, अदरवाइज डाईबैक का कोई चांस नहीं रहता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है कि कट करने के बाद मैंने कोई फंगिसाइड लगाया नहीं, लेकिन ऊपर से 1% भी डाईबैक नहीं आया। तो इसका प्रोसेस होता है रूट को सही रखना। मैक्सिमम लोग, जो लोग न्यूकमर्स है, उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या कर लेते हैं कि ऊपर का पोर्शन कट किए जा रहे हैं और फंगिसाइड एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में मैं फंगिसाइड एप्लीकेशन बार बार तो कर लूँगा, चलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है,
वो भी एक प्रोसेस के अंडर ही आता है कि अगर ऊपर का कट कर रहे हो तो ऊपर में एक सीलिंग करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उससे डाईबैक को नहीं रोक सकते हैं। यह आप लोगों ने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेरी रेगुलरली आते हैं कि डाईबैक हो रहा है, मैं कट करके फंगीसाइड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पौधा डाईबैक को स्टॉप नहीं कर रहा है। एक्चुअली आपने रूट पे उस टाइम पे ध्यान दिया ही नहीं कि रूट को मुझे सही करना है। अगर आप उस टाइम पे डाईबैक होने के तुरंत बाद आप अगर रूट को मतलब टोटल फीडिंग आप बंद कर दीजिए और रूट ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। रूट ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पे रूटिंग हार्मोन, ह्यूमिक एसिड, 12-XX टाइप के फर्टिलाइज़र वहाँ पे दिया जाता है, तो ये सब वहाँ पे चालू करना होता है। तो चलिए आप देख सकते हो कि मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया ये वाला पौधा, तो मैं आज काफ़ी सारा पौधा करने वाला हूँ। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग का बेसिक साइंस समझिए कि अगर आपको ऊपर में ग्रोथ चाहिए तो नीचे उसके रूट को आप रोक नहीं सकते हो। ये प्रॉब्लम ज़मीन पे बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि रूट्स आर फ्री टू मूव एनी वेयर दे वांट। बट आप अगर पॉट कल्चर में हो, आप पॉट में गुलाब या दूसरे पौधे लगाते हो, टाइम टू टाइम आपको रूट प्रूनिंग करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे दूसरे पौधे को भी देखिए अच्छे से, इसमें रूट बाउंड कहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर मैं अगर खाद डालता हूँ तो इसमें डैमेज के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए रिपोर्टिंग सही टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहे हो पौधे को, तो रूट को बिल्कुल भी ना तोड़े। आप डायरेक्टली नया मिट्टी साइड पे डाल के, नीचे डाल के आप उस पौधे को बिठा दीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिट्टी मैंने रेडी कर लिया है, अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या डाला चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले डाला जाएगा हॉर्नफ्लेक्स। ऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा नाइट्रोजन और किसी प्रोडक्ट में नहीं होता है, लेकिन हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसी चीज़ को रिप्लेस कीजिए वर्मी कॉम्पोस्ट से। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपका बोन डस्ट। इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और गुलाब के पौधे को बोन डस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये भी एक कंपलसरी आइटम है और ये लगभग हर जगह पे मिल जाता है। बोन मील या बोन डस्ट हर जगह पे मिल जाता है। तीसरा चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वर्मी कॉम्पोस्ट, या आप अपने घर पर भी बना सकते हो, या नहीं तो मार्केट में जो सबसे अच्छा वाला वर्मी कॉम्पोस्ट है आप उसे परचेस कीजिए। वर्मी कॉम्पोस्ट या लीफ कॉम्पोस्ट इज़ अ कंप्लीट फूड, इसमें लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो चौथा चीज़ है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये है आपका स्टेरामिल। स्टेरामिल ये भी एक कंप्लीट फूड होता है, लेकिन ये एनिमल बाई प्रोडक्ट है। जैसा वर्मी कॉम्पोस्ट आपका प्लांट रेसिड्यू से बनता है, स्टेरामिल एनिमल रेसिड्यू, मतलब हम लोग जो अलग अलग यूज़ करते हैं, बोन मील, लेदर मील, हॉर्नफ्लेक्स, इन सब का जो वेस्टेज होता है उसे कंपाइल करके स्टेरामिल बनाया जाता है। इसलिए ये काफ़ी सस्ता भी होता है और ये कंप्लीट फूड भी बन जाता है, तो इसलिए इसे भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ये पाँचवा चीज़ जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये देखने में काफ़ी हद तक स्टेरामिल के जैसा ही है, लेकिन ये है ग्रैन्यूल सीवीट। नेक्स्ट आपको डालना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये पहला केमिकल चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और दूसरा केमिकल यहाँ पे जाएगा, ये जो ब्लू कलर का पाउडर है ये है आपका सेफ जो फंगीसाइड है। चलिए अभी समझते हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने क्यों डाला। जो भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था वो चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेफ डालने का ज़रूरत ये था कि आप जो मिट्टी ले रहे हो उसमें फंगस हो सकता है, तो फंगल स्पोर को मारने के लिए मैंने सैफ का इस्तेमाल किया। सैफ का जो कॉम्पोजिशन है वो है कार्बनडिज्म और मैंकोजेब। कार्बनडिज्म मतलब आप जो बेविस्टिन यूज़ करते हो वो मिक्स रहता है 12% और 63% यहाँ पे रहता है मैंकोजेब। तो ये रूट जोन पे या मिट्टी के ऊपर जो फंगस रहते हैं उसमें काफ़ी बढ़िया काम करता है, इसलिए सैफ का इस्तेमाल किया जाता है।
हम लोगों ने सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ इसलिए किया कि यहाँ पे रूट ग्रोथ इज़ माई प्रायोरिटी। तो बोन डस्ट में भी वही चीज़ है जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता है। बोन डस्ट में भी आपका फॉस्फोरस है और साथ में आपका कैल्शियम है, वही चीज़ आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट में दोनों चीज़ होता है। तो मैंने केमिकल का एप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट केमिकल होने के वजह से वो जल्दी पौधे को मिलेगा, बोन डस्ट कुछ दिन टाइम लेगा अपना डिकम्पोजिशन कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर डिकम्पोजिशन इट विल अवेलेबल टू द प्लांट। तो पहले दिन से पौधे को उसके ज़रूरत की चीज़ें प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, मतलब यहाँ पे मेरा प्रायोरिटी है आपका रूट ग्रोथ, जो मैंने पहले भी आपको बताया। पिछले साल मैंने कुछ मोगरा का वीडियो डाला था, वहाँ पे मेरा प्रायोरिटी था उसका जो ऊपर का ग्रोथ है वो, इसलिए मैंने वहाँ पे यूरिया का एप्लीकेशन किया था। तो प्रायोरिटी जो होगा उस हिसाब से आपको केमिकल डालना है, और चीज़ों को कंटिन्यूस बनाने के लिए आपका ऑर्गेनिक एप्लीकेशन होगा। तो आपने यहाँ पे देखा वेट वाइज अगर आप देखें तो मैंने 10% भी केमिकल यहाँ पे नहीं डाला है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था केमिकल का एप्लीकेशन काफ़ी कम कर दिया जाएगा, और जबकि ऑर्गेनिक का एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। ग्रैन्यूलर फॉर्म में सीवीड डालने का रीज़न है पौधे को धीरे धीरे मिले, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो हम लोग बाकी बाद में ऊपर से स्प्रे करके दे देंगे। अगर पौधे को मान लीजिए हर 15 दिन में आप तो वो वैसे ही दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पौधे को ग्रेजुअली धीरे धीरे मिले इसलिए ये वाला चीज़ भी वहाँ पे डल गया। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पानी का जो कलर है वो हल्का ब्राउनिश है, इसका रीज़न है इसमें मैंने ह्यूमिक एसिड और रूटिंग हार्मोन मिलाया था जो कि स्ट्रेस रिलीवर है। आपने पौधे का इतना रूट कट किया तो पौधा ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस में चला जाएगा, तो उससे रिवाइव करने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए पौधे को ये दो चीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट में जो चीज़ आपको नोटिस करना है कि मैंने पानी ऊपर में पूरा फिल कर दिया, कितने सेकंड के अंदर पूरा पानी ड्रेन आउट हो गया, मतलब जो भी एक्सेस पानी था वो टोटली नीचे चला गया। तो आपको भी अपना जो मिट्टी है आप मिट्टी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिट्टी अगर हार्ड है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको मिट्टी को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। और आपके गार्डन का मिट्टी कैसा है, आपके वहाँ पे जो अवेलेबल है वो मिट्टी कैसा है, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एक सॉइल प्रोफाइल का वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने गार्डन में उसे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।